हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सम अननोन फैक्ट्स अबाउट हार्ट। हम लोग हमारे हार्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो हमें नहीं पता है ना, तो वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी इस रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल्स के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हम लोग फैक्ट देखेंगे, योर हार्ट विल बीट अबाउट 1,15,000 टाइम्स ईच डे। आप अगर हर एक दिन के अपने हार्ट के बीट को काउंट करोगे तो वो नियर अबाउट 1,15,000 टाइम्स बीट करता है एक दिन के अंदर, है ना, कुछ अमेजिंग। सेकंड, द हार्ट कैन कंटिन्यू बीटिंग इवन व्हेन इट्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बॉडी। मतलब अगर आपके हार्ट को अगर आप बॉडी से अलग भी कर दो तो उसके बाद भी वो कुछ समय के लिए वैसे ही धड़कते रहता है, उसका बीटिंग शुरू रहता है सम टाइम के लिए। मोस्ट हार्ट अटैक हैपन्स ऑन अ मंडे। अगर आप लोग हार्ट अटैक की बात करो तो पूरी दुनिया में अगर सर्वे किया जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हार्ट अटैक से मंडे के दिन पे ही होती है। या फिर आप लोग बोलोगे कि जो हार्ट अटैक हमें देखने को मिलते हैं वो ज़्यादातर मंडे के दिन को ही आते हैं, तो मंडे का हार्ट अटैक के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। क्रिसमस डे इज़ द मोस्ट कॉमन डे ऑफ द ईयर फॉर हार्ट अटैक्स टू हैपन। इसके अलावा अगर आप पूरे ईयर की बात करो तो ईयर में क्रिसमस डे जो होता है वो डे ऐसा है जिस दिन सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक देखने को मिलते हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर। तो ये भी थोड़ा अमेजिंग है क्योंकि क्रिसमस डे काफ़ी हैप्पी दिन होता है और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक आते हैं। अ वुमन्स हार्ट बीट स्लाइटली फास्टर देन अ मैंस हार्ट। अगर आप वुमन हार्ट और मैंस हार्ट को कंपेयर करो तो मैन के हार्ट की साइज़ एज कम्पेयर टू वुमन हार्ट के साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है, बट वुमन के हार्ट की बीटिंग स्पीड जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है मैन हार्ट से। हार्ट सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग विच मीन्स हार्ट कैंसर इज एक्सट्रीमली रेयर। तो हमारे बॉडी के अंदर हार्ट की जो सेल है वो ज़्यादा उसमें डिविजन नहीं होता, जैसे हमारे बॉडी के बाकी सेल्स है वो आप लोग बोल सकते हो कि उसमें सेल डिवीजन हो सकता है, बट हार्ट के अंदर सेल डिवीजन काफ़ी रेयर होता है या फिर काफ़ी कम होता है, और उसके कारण यहाँ पे हार्ट के रिलेटेड कैंसर होने के चांसेस भी काफ़ी कम है। हम लोग जानते हैं कि कैंसर हमारे बॉडी के अंदर के सेल में काफ़ी ज़्यादा अगर डिवीजन होना शुरू हो जाए तो उसके कारण होता है, बट हार्ट के अंदर सेल डिवीजन तो स्टॉप हो जाता है, एंड दैट मीन्स कि हमारे बॉडी के अंदर हार्ट कैंसर होने के चांसेस काफ़ी कम है। और लास्ट फैक्ट और काफ़ी मज़ेदार फैक्ट, सभी लोग जानते हैं, लाफिंग इज़ गुड फॉर योर हार्ट, इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड गिव्स अ बूस्ट टू योर इम्यून सिस्टम। तो लाफिंग हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है, साथ ही साथ हमारे हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, और इसीलिए आपने काफ़ी हंसते रहना चाहिए जिससे आपके बॉडी के ऊपर का स्ट्रेस भी काफ़ी कम होगा और इम्यून सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। थैंक यू।